एमएस वर्ड 2016 के इस अध्याय में आज आप सीखेंगे क्लिपबोर्ड ऑप्शन का उपयोग करना। सामान्यतः हम वर्ड में काम करते समय कई बार कट, कॉपी और पेस्ट का उपयोग करते हैं। किसी भी टेक्स्ट को पेस्ट करने के बाद जब हम कोई नया टेक्स्ट कट या कॉपी कर लेते हैं तो पहले वाला टेक्स्ट जो हमने कट या कॉपी किया था वो चला जाता है और उसकी जगह नया टेक्स्ट हमारे पास रह जाता है। यानी अब यदि हम पेस्ट करेंगे तो नया टेक्स्ट पेस्ट होगा, पुराना नहीं। वर्ड में एक बहुत ही अच्छा फंक्शन है क्लिपबोर्ड। इसमें कट या कॉपी किए हुए 24 टेक्स्ट अपने आप अस्थायी रूप से स्टोर हो जाते हैं और 24 से अधिक टेक्स्ट कट या कॉपी करने पर पहले के टेक्स्ट डिलीट होकर उसकी जगह पर बाद वाले टेक्स्ट आते रहते हैं। आप चाहें तो इन स्टोर किए हुए टेक्स्ट को बगैर कट कॉपी किए फिर से पेस्ट कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें, कंप्यूटर को बंद करने पर क्लिपबोर्ड में स्टोर्ड पूरा डेटा चला जाता है। तो आइए देखते हैं हम क्लिपबोर्ड को कैसे यूज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ये हमारे पास एक डेटा है जिसमें हम कुछ लाइंस को कट कर लेते हैं। उसके लिए जो भी टेक्स्ट आपको कट करना है उसको सिलेक्ट कर लें और उसके बाद इसे कट कर लें। अब जहां पर भी ये डेटा पेस्ट करना हो वहां पर क्लिक करें और पेस्ट कर दें। ये देखिए, अभी हमने सिंपली डेटा कट किया और उसे पेस्ट कर दिया। इसी तरह से हम कुछ और टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं अब इसको हम यहां पर पेस्ट कर देते हैं। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था कि एक कट और कॉपी किए हुए मैटर क्लिपबोर्ड में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। अब ये क्लिपबोर्ड में आए हैं या नहीं ये हम क्लिपबोर्ड में चलकर देखते हैं। उसके लिए क्लिपबोर्ड के पास एरो के निशान पर क्लिक करें। ये देखिए, जो डेटा हमने कट और कॉपी किया था वो यहाँ क्लिपबोर्ड में ऑटोमेटिकली आ गया है। इनमें से आपको जो भी डेटा कहीं पेस्ट करना हो पहले उस स्थान पर आप क्लिक करें और फिर उस डेटा पर क्लिक करें। इसी तरह आप यहां से जितनी भी बार चाहें डेटा को पेस्ट कर सकते हैं। अब हम एक पूरा पैराग्राफ कॉपी कर लेते हैं। ये देखिए, कॉपी किया हुआ पैराग्राफ भी क्लिपबोर्ड में आ गया है। अब हम क्लिपबोर्ड की मदद से इन्हें एक साथ पेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें जहां ये डेटा पेस्ट करना हो वहां पर क्लिक करने के बाद पेस्ट ऑल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, ये पूरा डेटा एक साथ यहां पर आ गया है। अब हम एक नई फाइल ओपन कर लेते हैं। अभी हमने जिस फाइल में क्लिपबोर्ड पर काम किया था, मान लीजिए हम उस क्लिपबोर्ड का डेटा इस फाइल में भी यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्लिपबोर्ड के एरो पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, क्लिपबोर्ड में कट और कॉपी किया हुआ डेटा दिखाई पड़ रहा है। अब हमें इस फाइल में जहां भी डेटा की जरूरत हो वहां पर क्लिक करें और फिर इनमें से जो डेटा चाहिए उस पर क्लिक करें और यदि पूरा डेटा चाहिए तो पेस्ट ऑल पर क्लिक करें। हमें पूरा डेटा चाहिए इसलिए हम पेस्ट ऑल पर क्लिक कर रहे हैं। ये देखिए, पूरा की पूरा डेटा यहाँ पर आ गया है। अगर हमें कोई डेटा क्लिपबोर्ड में से डिलीट करना हो तो उसके लिए डेटा के सामने जो डाउनवर्ड एरो है उस पर क्लिक करें और फिर डिलीट पर क्लिक कर दें। देखिए, वो डेटा यहाँ से डिलीट हो गया है। यदि क्लिपबोर्ड के पूरे डेटा को डिलीट करना हो तो उसके लिए क्लियर ऑल पर क्लिक कर दें। ये देखिए, क्लिपबोर्ड से पूरा डेटा चला गया है। MS Word 2016 के इस अध्याय में आज आपने सीखा क्लिपबोर्ड ऑप्शन का उपयोग करना।